नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो राजस्थान में। तो दोस्तों, सुबह मैंने वीडियो बनाया था पटवारी भर्ती से रिलेटेड कि इस वजह से ये भर्ती लेट हुई थी दोस्तों। तो विज्ञापन आने वाला है जल्दी, मैं आपको प्रूफ देने वाला हूँ। एंड जो ये प्रॉब्लम थी जिस वजह से भर्ती लेट हुई है उसका भी सोल्यूशन आज आ चुका है दोस्तों, आपको ऑफिशियल प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा। तो वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप देखोगे कि जो नोटिफिकेशन आए गया है ऐसा ही आप समझो, एक दो दिन के अंदर जो विज्ञापन आने वाला है पटवारी भर्ती का। ठीक दोस्तों, तो अपन चलते जो ऑफिशियल जानकारी हमारे पास आई है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एंड दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक भी करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये राजस्व मंडल द्वारा एक जो ईमेल भेजा गया है RSM SSB के पास। ठीक है, आप देख सकते हैं ईमेल से अति आवश्यक जो भेजा गया है मेल, एंड जो आज की डेट इसमें 17 सितंबर 2018 आज की डेट है दोस्तों, अभी अभी की फाइल है 1 घंटे पहले की। ठीक है, एंड वीडियो में 1 घंटे पहले ही आप सभी के साथ शेयर कर देता बट मैं थोड़ा सा आउटसाइड था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो राजस्व मंडल की ओर से फाइल भेजी गई थी संयुक्त शासन सचिव राजस्व ग्रुप विभाग जयपुर। तो विषय के अंदर बता रहा है कि राजस्व भू अभिलेख जो नियम 1957, तो 1957 वाला नियम था जिसमें कंप्यूटर दक्षता के लिए था। एंड जो 1956 वाला नियम है जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी योग्यता स्नातक और 12वीं पास वाला था, जिसमें 12वीं पास को हटाकर स्नातक कर दिया गया 1956 में। एंड जो 1957 वाला नियम है इसके अंदर अपन देखते हैं, जो सुबह मैंने आपको बता दी है कंप्यूटर शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड है कि जिसके अंदर अगर जिन्होंने BTEC कर रखा है, MTEC कर रखा है, BCA कर रखा है, O-Level कर रखा है कंप्यूटर साइंस के अंदर, और अगर उनके पास RSAT नहीं है तो उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। ऐसा पिछली बार वैकेंसी में था बट उसको कोर्ट द्वारा अलाउ किया गया था। तो इसी के चलते जो रेवेन्यू बोर्ड है उसको नया नियम बनाना पड़ा। एंड अब आप देख सकते हैं जिनके भी पास ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो वो उन्हें बिना RSAT के बिना ही वो इस वैकेंसी में भाग ले सकते हैं, बट ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। आप देख सकते हैं कि जो भारत सरकार के जो इलेक्ट्रॉनिक विभाग है उसके अंदर जो DOE है CC द्वारा एक जो आयोजित O-Level का कोर्स होता है वो आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास जो कोपा या डाटा एंटी का जो सॉफ्टवेयर होता है DPCS वो आपके पास होना चाहिए, एंड या फिर आपके पास जो भारत जूम कर लेते हैं दोस्तों इसको, ठीक है, एक साइड इंग्लिश में लिखा हुआ एक साइड हिंदी में, तो हम सभी के लिए हिंदी ज़्यादा बेटर रहेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं भारत में विद्युत द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा, एंड अगर आपके पास डिप्लोमा है BCA जो भी कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आपको RSAT की जरूरत नहीं है, या फिर आपने पॉलिटेक्निक कर रखी है कंप्यूटर साइंस के अंदर, या फिर इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपके पास कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो आपको जरूरत नहीं है। एंड साथ ही में जो RSAT, तो आप सभी को पता ही है RSAT है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। RSAT के अलावा जो ये ऊपर अलग ऑप्शन है ये अगर आपके पास, एंड आपके पास जो ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो डिग्री के अंदर सभी आ जाएंगे, जो BTEC हो गया अपना, MTEC हो गया, BTEC यानी कंप्यूटर साइंस के अंदर जिन्होंने कर रखी है, ठीक है, एंड तो उन सभी के लिए दोस्तों ये आप अप्लाई कर सकते हैं पटवारी वैकेंसी 2018 के लिए। ठीक है दोस्तों, एंड जल्दी मैं इसकी जो PDF फाइल की लिंक भी आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों, ये आज जो राजस्व मंडल द्वारा नियम के अंदर संशोधन कर दिया गया है जिसके कारण जो पटवारी भर्ती अटकने की संभावना बन रही थी, तो दोस्तों अब ये वैकेंसी नहीं अटकेगी एंड जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आज ही संशोधन हुआ इस जो रूल है 1957 नंबर का उसके अंदर, एंड जो 1956 वाला रूल था उसको संशोधन हुआ था, तो उस दिन मैं आप सभी को बता चुका हूँ उसके बारे में वीडियो बनाकर, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसकी ग्रेजुएशन हो चुकी है। एंड जो आप देख सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड भी इसमें जो चेंज हुआ है कि जो BTEC वाले, जो CS वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड जो डिप्लोमा है जिनके पास कंप्यूटर के अंदर वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, बस थोड़ा सा इंतजार और करना, आपको पेशेंस बनाए रखिए। तो वैकेंसी आने वाली है पटवारी की, तो ये आज ही की डेट है, 17 तारीख को ये फाइल बनी थी। ठीक है, उन्होंने इस न्यूज़ का क्रेडिट जाता है हमारे दोस्त मनोज साहू पिसांगन अजमेर को। ठीक है, तो उन्होंने हमारे साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी एंड मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन आ गई थी। तो दोस्तों, आने वाली है ये वैकेंसी पटवारी की। ठीक है, तो आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा, एंड पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करेगा, एंड आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर बीइंग विद टेक्नो राजस्थान। थैंक यू सो मच दोस्तों।